चलिए एक्सरसाइज 5.6 का इंट्रो पार्ट, सॉरी इंट्रो कह रहे एक्सरसाइज इंट्रो तो हो गया है। देखो अब इसमें बोला गया है कि भैया इसमें भी dy ओवर dx फाइंड करो, पैरामेट्रिक फॉर्म के हैं, कैसे पता? x एक फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड है? t पर। और y भी एक फंक्शन है, किस पे डिपेंड है भाई साहब? t पर डिपेंड है। तो x और y जो ऐसे फंक्शन है इनको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन, और जो t है उसको बोला जाता है पैरामीटर। मैंने बताया था पैरा का मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड, मतलब x और y अब खुद पर डिपेंड नहीं है, किसी तीसरे पर जाके डिपेंड है, इसलिए इसका नाम पैरामीटर पड़ा। पैरामीटर में ग्रीक में पैरा को कहते हैं बियॉन्ड। चलो अब भाई साहब आ जाओ, तो x किस पर डिपेंड है? t पर। तो dx अपॉन dt, चलिए आ जाइए। अब ये 4at, अब मैं मानता हूँ कि 5.6 पर हो तो ये चीज़ तो तुम्हें मतलब आनी चाहिए कि ये सर आपने कैसे कर दिया। फिर dy अपॉन dt, तो 4at³। देखो हर्ष बाबू, t की पावर 4 है तो 4t³, और a तो साथ रहेगा ही। अच्छा हमको फाइंड करना भैया dy ओवर dx, तो ये क्या होता है? dy ओवर dt इंटू dt अपॉन dx, तो dt से dt कैंसिल हो गया, आ गया तो dy ओवर dx ही ना। चलिए तो dy ओवर dt है 4at, और ये है क्या 480 तो लिखा है मैंने, अच्छा dy ओवर dt 480 क्यों, हाँ लिख रहा था यार मैं आगे, मुझे लगा कुछ, हाँ अच्छा ये है dx अपॉन dt, हमको फाइंड करना dt अपॉन dt, मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, 4a से 4a चला गया, एक t से एक t चला गया, क्या होगा t स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया? पक्की बात है सर? तो अब देखो आंसर आ गया, आकाश नंबर मिल गए, अब नॉलेज वाली बात जानो कि सर ये dy ओवर dx आया क्या, ये मतलब क्या हुआ कि अगर x थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, x थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो y किस स्पीड से चेंज हो रहा है? y t स्क्वायर के रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, मतलब x किस पर डिपेंड है? t पर। y किस पर डिपेंड है? t पर। अगर t में चेंज होगा तो पक्की बात है x में चेंज होगा, या उल्टा बोलो x में चेंज होगा तो पक्की बात है t में चेंज होगा, और अगर t में चेंज होगा तो t किस पर डिपेंड है? y पर, y भी तो चेंज होगा, तो किस स्पीड से चेंज हो रहा है? वो इस स्पीड से चेंज हो रहा है, ये नॉलेज वाली बात, बस नंबर का इससे कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है जी। सेकंड पे आ जाओ, dx अपॉन d थीटा, तो ये हो गया माइनस a साइन थीटा, dy अपॉन d थीटा, तो ये क्या हो गया? माइनस का b साइन थीटा, क्या हुआ? हमको फाइंड करना dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx, तो dy अपॉन d थीटा ये रहा भाई साहब हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का b साइन थीटा, और d थीटा अपॉन d उल्टा कर दो, माइनस का a साइन थीटा, कोई दिक्कत? सही हो गया आंसर, क्या निकल के आया? d अपॉन ए। अच्छा जी अब इसमें भी एक देखो भैया नई चीज़ आ गई, अब देख लो क्या नई चीज़ आ गई, थीटा तो यहाँ से हट ही गया पूरा, मतलब क्या हुआ कि वाई एक्स में कुछ भी चेंज हो तो वाई जो भी चेंज होगा ना वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये एक नंबर के लिए जान लो ऑब्जेक्टिव में, समझो जरा शिवम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक्स में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पक्की बात है वाई में चेंज होगा, तो वो y में चेंज ऐसा है एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब y का कोई भी लेना देना नहीं है एंगल से, एंगल में कुछ भी रख दो आप, कुछ भी करो सर, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, क्या चमका? मतलब थीटा से इंडिपेंडेंट है वो, जैसे आपको किसी ने ये डेरिवेटिव दे दिया और फिर आपसे बोला कि dy ओवर dx डिपेंड्स ऑन, मान लो ये हो गया ऑब्जेक्टिव में आया a b a अपॉन b और थीटा, तो 99% बजे थीटा लगा कर आ जाएंगे बिना सॉल्व करे, वो ये सोचेंगे भैया कि जब थीटा पैरामीटर है तो पक्की बात है कि वो थीटा पर ही डिपेंड होगा, लेकिन क्या पता सॉल्व करने एक बार थीटा हट जाए, तो थीटा हट गया ये, क्या चमका? तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म का कोई भी लेना देना नहीं था, इसे आप लोग dy ओवर dx से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे, जब थीटा हट गया तो भाई क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, तो अब सर कैसे नहीं है? तो cos थीटा की वैल्यू क्या y अपॉन b हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और cos थीटा घटाओ यहाँ से तो क्या निकल के आया,
क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन बन गया ये। तो बताओ यहाँ से y बराबर क्या होगा? dx अपॉन a, और dy ओवर dx क्या होगा? v अपॉन a। क्या चमका? तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के ही क्वेश्चन मिलें, मतलब टॉपिक का नाम है। यहाँ से थीटा देखो हट तो गया यार, क्या मैं समझा पाया? नंबर यहाँ से भी मिलेंगे, नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे, बट ये बताना चाहा कि ये जैसे ही मैंने देखा कि थीटा तो हट गया तो पैरामेट्रिक फॉर्म है ही नहीं फिर ये, दिखा दिया बस इन्होंने इस तरीके से। क्लियर आकाश? क्लियर है जी? चलो जी थर्ड पे आ जाओ। अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी, तो साइन टी का कॉस टी, और डी वाई ओवर डी टी तो क्या होगा? कॉस का होगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का क्या हुआ? टू हुआ। क्लियर है सर? तो चलिए जी डी वाई, अब डायरेक्ट लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एस क्या कहता है। वाई वाले को तो रखो ऊपर और इसको रख दो नीचे, तो देखो माइनस का टू साइन टू टी क्या होगा? टू साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखना हर्ष इधर सरक के आ जाओ, जिराफ की तरह देख रहे हो। अरे इधर आ जाओ यार, ये तो अपनी ही तो है, पूरी जगह खाली है, गर्द ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ वो खेल रहे हाइड एंड सीक। सर हम इधर हैं। अरे इधर आ जाओ यार। कॉस से कॉस गायब, कितना हुआ? माइनस का फोर। हर दिक्कत तो कहाँ पर है? अब ये भी टेढ़े हुए जा रहे हैं, मतलब यार हर कब तुम यहाँ पे आओ। अरे कुछ नहीं कह रही सेजल, यहाँ पे आओ। अब बताओ कोई डाउट है तो बताओ। देखो दादा मैं पॉज करता हूँ उसे, चलो आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर देखो भैया, अब एक काम करते हैं, पैरामेट्रिक नहीं है, है पैरामेट्रिक टी की वैल्यू निकालो यहाँ से, फोर अपॉन वाई आ रही, मज़े ले रहे हैं ये। ले हमने इस बार इनके साथ ले लिए मज़े, क्यों? क्यों? अब हमें कंसेप्ट पता लग गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी एक्स अपॉन डी टी, अब समझना फोर टी का क्या होगा? फोर, और डी वाई ओवर डी टी क्या होगा? माइनस फोर। सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो भैया वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी का फोर का फोर। अब आ जाओ भाई साहब डी वाई ओवर डी एक्स, अब समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से यहाँ पे। देखो भैया डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा? डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर, चलो भैया डी वाई ओवर डी टी क्या है? अब यहाँ से थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी। अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस वन अपॉन फोर। अरे यार डी एक्स अपॉन डी टी कितना है? तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना होगा बोलो ना, तो वन अपॉन फोर ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे, नहीं समझे? अरे बच्चों वाली बात है ही क्या, डी एक्स अपॉन डी टी फोर है तो ये हो जाएगा, फोर से फोर क्या होगा? शहीद हो गया। कितना आया? अब देखना आकाश पैरामेट्रिक थी लेकिन आंसर टी में आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? टी में आ रहा है। तो इसे एक बार ऐसे करके और देखो, आ जाओ भाई साहब, क्या हम लोग यहाँ से टी की वैल्यू फोर अपॉन वाई लिख सकते हैं? पक्की बात है ना, तो टी की वैल्यू अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है बस, लिख सकते हैं ये। चलो आ जाओ, तो एक्स बराबर क्या है? फोर टी, तो टी की वैल्यू क्या है? फोर अपॉन वाई। तो क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं वाई इक्वल टू 16 अपॉन एक्स? सर ये कर क्या रहे हो आप? कर सकते ना ये, ठीक है। अब देखना आकाश डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, 100% आपको नंबर मिलेंगे, 100% आपको इन्होंने किया क्या भाई साहब? ये बस एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर दिए बस, केवल ये एक्स की वैल्यू उठा के पुट कर दिए, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन लेकिन अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज, मैं जानबूझ के क्वेश्चन में नॉलेज वाली बातें घुसेड़ रहा हूँ, नंबर तो तुम्हारे हो गए यहीं पे, एग्जाम में कोई नहीं तुमसे इतना पूरा नॉलेज के लिए समझ लो कि सर अभी आपने प्रूफ कर दिया कि ये पैरामेट्रिक है, यहाँ कर दिया पैरामेट्रिक नहीं, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए मान लो तो हम क्या करके आएंगे? तो जब कभी ऐसा मिले आपको अगर कोई तीसरा पैरामीटर है तो आप उसको पैरामेट्रिक लिख के आ जाना बाई डिफॉल्ट, क्योंकि सॉल्व करने के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं भी आ रहा है और आ भी रहा है, तो बाई डिफॉल्ट अगर आता है कि भाई साहब ये आएगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी पैरामेट्रिक में है क्योंकि टी पर है तो आप ये लिख के आना भाई साहब ये है। क्या मैं ज़्यादा हौच-पौच कर रहा हूँ क्या? बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना कि यार
आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है भी नहीं भी है, क्योंकि हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इसलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार थोड़ी सी नंबर के हट के नॉलेज की बातें होती रहें, तो फील आता है उससे थोड़ा आज हमने कोई नई चीज़ पढ़ी है, वरना सॉल्यूशन तो आप लोग देख के ही आते होगे हमें पता है। अब इस हाँ हाँ ये ठीक है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, वन अपॉन माइनस एक्स, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया, वन अपॉन माइनस एक्स, नहीं याद नहीं इतना, ये तो मुझे याद है नॉर्मली, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन फोर पहले से था वही फोर का फोर रह दिया, ठीक है हर्ष, फॉर्मूले याद कर लो यार, बस फॉर्मूले याद कर लो। अब देखो दीपांशु, एक्स किस में है, थीटा में है, एक काम ना कर लें यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लें, अंदर बचेगा वन माइनस टू, बस वो सब मुंडी ला रहे हैं, नहीं ऐसे कॉमन नहीं आएगा, देखो दीपांशु इसके साथ एंगल क्या है टू थीटा, और यहाँ एंगल है केवल थीटा, तो कॉमन नहीं आ सकते ये, देखा कितनी अच्छी बात है मैंने, ये सब इलेवेंथ का ये सब। चलो अब मैं पूछता हूँ थोड़ा सा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अगला बताएंगे हमारे रोहित शर्मा, कॉस टू थीटा का, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस हो गया और टू साइन टू थीटा, क्या समझ आया मेरे भाई, क्लियर है सर। अब डी वाई ओवर डी थीटा, चलो इसका मनी डी वाई ओवर डी बताओ बेटे, साइन थीटा का ग्रेट, माइनस साइन टू थीटा का टू कॉस टू थीटा, ठीक है भैया। अच्छा अब इनका हमको क्या करना है जी, डिवाइड करना है, क्या करना है जी डिवाइड, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या कहता है, वाई वाले को तो पहले लिखो और इसको नीचे लिखो, तो माइनस का साइन थीटा प्लस टू साइन, देखो अब सुनो यार आंसर तुम्हारा यहाँ पर आ गया, आंसर में यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं, आप इतना भी छोड़ के आ सकते क्योंकि डेरिवेटिव हमारा ख़त्म हो गया, डेरिवेटिव अब यहाँ से जैसे क्या साइन टू थीटा को लिख सकते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लो, अब इसको लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, वहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो, एक बार देखो जरा बुक में यही दिया या इतना ही है, बुक वाले बहुत सही हैं फिर, ठीक तो इतना ही छोड़ के आ जाओ, फिर हमने क्यों इतना आगे का सोचा, इतना ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए जी, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए का तो यही रहेगा, थीटा का वन हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक, कहाँ माइनस है प्लस, ये माइनस इस क्या, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, नहीं ब्रैकेट साइन से पहले टू कैसे आया, नहीं बिल्कुल है डाउट है, हमारे डाउट है सर, हम इसीलिए आते हैं, कॉस इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो भैया, तो कॉस थीटा माइनस फिर टू थीटा का भी होगा ना, उसका वन हो गया, नहीं, नहीं हम लोग 5.6 पे ही है ना, देखो इस, अरे ऐसे कैसे आ गया बेटे, ऐसे क्या साइन टू एक्स का बताओ, चलो साइन टू एक्स का बताओ, कोस कोस टू एक्स, फिर आया ना टू, तो वही टू थीटा का टू आ गया है, अब ये तो डाउट नहीं कि सर यहाँ भी टू दो दो टू, ठीक है वो एंगल है, क्योंकि पता है नितिन ये तो चलो मजाक की बात है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है इसमें, पता है मैथ में रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करो तो होते होगे कन्फ्यूज। डी वाई ओवर डी थीटा, ए तो ऐसा ही रहेगा और वन का हो गया जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, अब कर दो यार हर्ष बाबू इनका डिवाइड, तो ये होगा माइनस का ए साइन थीटा और नीचे है ए वन माइनस कॉस थीटा, अब देखो समझना सारे बच्चे आंसर ये हो गया, लेकिन पीछे देखो आंसर ये है, शायद नहीं होगा मुझे, शायद नॉट श्योर, क्योंकि अब ये बन गया क्लास 11 नहीं है ना ये, हाँ अब आ जाओ अब आगे आ जाओ, क्यों नहीं है मैं आपको बता दूँ, छोड़ो नहीं है छोड़ दो, क्योंकि ये बन गया यार ये वही क्लास 11 की बातें आ गई, अब ये देखो यहाँ पे क्या साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा वाई टू इंटू कॉस थीटा वाई टू, हर्ष बताओ क्लियर है, ये फॉर्मूला साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या हुआ रहे थे, ठीक है ना ये, ठीक है नहीं तो हंस रहे तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत है। अच्छा कॉस थीटा के चार फार्मूले कितने सर, हमें एक भी याद नहीं, आपको ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे ये वन वाला हट जाए, जिससे वन वाला हट जाए, तो कैसे
वन माइनस टेन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब पता है हर्जी थीटा बाई टू क्यों आया, क्यों ये जितने फॉर्मूले हैं ये सब साइन टू थीटा आ गया, टू नहीं है तो एंगल में आ गया। अब माइनस की आकस अंदर क्या होगी, एंट्री, तो माइनस की अगर अंदर एंट्री हुई तो ये क्या हो गया, प्लस। वन से वन सहित, टू से टू सहित, एक साइन से एक साइन सहित, तो ऊपर क्या बचा, माइनस कॉस थीटा बाई टू, नीचे बचा ठीक है। यार तुम लोग अभी भी फॉर्मूले याद नहीं है, बहुत गलत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और अगर एग्जाम में नहीं भी आता है तो आपको बहुत कुछ नया कंसेप्ट देगा। देखिए एज अ टीचर मैंने बहुत कोशिश की इस क्वेश्चन को सिंपल करने की, बहुत कोशिश की क्योंकि बहुत लेंथी है ये, तो जो सिंपल मुझे लगा थोड़ा बहुत वो लॉग लेकर ही थोड़ा बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है। तो कोशिश करते हैं, आप लोगों का समर्थन चाहिए, 10 से 15 मिनट तो ले लेगा ये। चलो x है t के रेस्पेक्ट में, y है t के रेस्पेक्ट में, dy ओवर dx फाइंड करना। सबसे पहले लॉग ले लो यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने लिया लॉग दोनों तरफ, तो लॉग में जो डिवाइड होता है तो वो किस में आता है, माइनस में, तो मैंने लिखा लॉग साइन t की पावर 3। अब एक बात समझो, साइन क्यूब t है या साइन t का होल की एक ही बात है, माइनस लॉग कॉस 2t। अब एक बात सुनो, रूट जब भी हटेगा तो इधर क्या आता है, 1/2। तो पहले थोड़ा इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा, फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। चलो जी, तो अब यार कर दो डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का 1/x, फिर एक्स का क्या होगा, dx/dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, लॉग में जो पावर होती है वो कहाँ पर आती है, आगे आ जाती है, ये क्या हो गया 1/2। आप लोग इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये नहीं है आपने पहले 1/2 लिखा फिर उसे डार करके आगे लिख दिया, फिर वो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा। चलिए 3 साइन टी का मतलब लॉग एक्स का 1/x, तो साइन टी कहाँ पर आएगा, नीचे, फिर साइन टी का कॉस टी माइनस 1/2। मैं डिस्टर्बेंस ही नहीं चाहता था इस क्वेश्चन में, ठीक आ जाओ उधर। अब देखो इसका, ये तो 1/2 है ही, लॉग इसको एक्स मानो तो ये कहाँ पर आएगा, कॉस 2t, फिर देखो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन 2t, और फिर ये 2 इधर आएगा, 2t का भी तो होगा नितिन, 2t को भी सही भी तो करना है, तो फिर ये क्या होगा, 2 से 2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है सर। तो ये हो गया, हमको निकालना है dx/dt, तो x जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। अब एक बात सुनो यार, ये क्या हो गया 3 cot t, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 tan t, समझ ना, समझो, ये क्या था cos अपॉन साइन, क्या होता cot, cot का उल्टा tan, तो 3/10, प्लस ये क्या हो गया tan 2t। कोई डाउट है तो बताओ भैया। बताओ, ठीक, तो dx/dt, x की वैल्यू तो हमारे पास यही है, इसे तो अभी ऐसा ही लिखा रहे हैं, तो क्यों इतनी बड़ी वैल्यू लेके घूमोगे, खत्म, dx/dt यहीं पे छोड़ दो, अभी क्लियर है, यहीं पे छोड़ दो। अब भाई साहब हम निकाल रहे हैं dy/dt, तो चलो जी dy/dt लॉग तो ले लो पहले, तो लॉग वाई। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा तो उसको समझना आप लोग, क्या कोई दिक्कत, अभी तक सेम ऐसा ही चल रहा भैया। तो ये क्या लॉग वाई का 1/y और dy/dt, तो ये हो जाएगा 3 cos t, cos t का माइनस साइन टी, तो ये अच्छा देखो 1/2 log cos 2t, तो आंसर तो यही आएगा अल्टीमेटली बाद में, तो इतना तो यार बुद्धि हम लोग लगा ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का tan, अरे बोलो ना यार, क्योंकि 1/2 देखो माइनस 1/2 log cos सेम है, तो जब सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा ना, अगर तुमने यहाँ पे गलत किया होगा तो वहाँ भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो अपने इसके ऊपर है। तो dy/dt
वाई इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस का 3 टेन टी और प्लस। अब देखो वैसे ना अगर आंसर वाली बात करूं, मैं आंसर वाली बात करूं, हमको फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स आकाश, ठीक है। अब इसमें इसका डिवाइड कर दो आंसर आ गया, बस उतना ही छोड़कर आ जाओ, वो एकदम ठीक है मैथमेटिकली। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कहता है कि डी वाई ओवर डी टी आ गया और डी एक्स ओवर डी टी आ गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स केवल इनका डिवाइड कर दो आंसर आ गया। लेकिन ये इतना लेंदी और पीछे आंसर बहुत छोटा है, तो बच्चे सीधे चेक करते आंसर और फिर उनको लगता है हमारा गलत है या फिर सर ने अधूरा छोड़ दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंदी जाएगा भैया, ठीक है उसको देखो, इसीलिए वो क्वेश्चन लेंदी है। चलो जो बंटवारा किया था इसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं। चलिए भाई साहब अब देखो यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि आंसर पीछे देख के लाना है। टेन टू टी है तो क्या टेन टू टी को, चलो नेक्स्ट में लिखो फिर आप लोग कहोगे आप तो सब हटा दिया, तो टेन टू टी को हम लिख सकते हैं 3/10t और 2/10t/1 - 10²t। क्लियर है सर? साथ साथ करते चलेंगे जिससे आप केवल कंसेप्ट समझो। देखो मेरे साथ पढ़ के कंसेप्ट समझो, लिखने का प्रोजेक्ट खुद जान लो, ट्वेल्थ क्लास में हो, ये नहीं हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझा, समझ लो कंसेप्ट। चलिए इधर आ जाइए, वाई आइए, ये हो गया माइनस का 3/10t/1 + 2/10t/1 - चलिए जी एलसीएम कितना आएगा इधर, इधर एलसीएम आएगा हमारे पास 10t और 1 - 10 इसका जो नीचे होता है वही एलसीएम आ जाता, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3 - 3 - 3 - 10। क्या डायरेक्ट कर दिया एलसीएम, समझो 10t से 10t सही हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस 1 - 10² सीट थे, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब 2 10t का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10t के साथ, तो ये क्या हो गया 2 10² t। क्या चमका? ठीक, डी वाई ओवर डी टी। अब इधर आकाश एलसीएम कितना आएगा 1 - 10²। अब देखो ये तो पूरा ही जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, अब यहाँ समझना -3 10t का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 10t, अब माइनस माइनस प्लस और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये क्या होगा 3 10³t। क्लियर है? प्लस 1 - से ये पूरा कैंसिल होगा, ऊपर कितना गया 2 10। जहाँ कहीं दिक्कत हो बता देना, केवल और केवल 11th class chapter 3 बस, और कुछ है नहीं, 12th क्लास का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो गया था, केवल और केवल कैलकुलेशन चल रही बस। अब -3 10² 2t प्लस तो ये क्या हो गया माइनस, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, नीचे हमारे पास भाई साहब कितना है, नीचे हमारे पास है 10t और 1 - 10²t। इधर आ जाइए डी वाई ओवर डी टी, तो ये y इधर है। अब देखो माइनस का 3 10t प्लस का, तो ये हो गया माइनस का 10t और प्लस का 10/1 - कोई दिक्कत? अब इसके आगे क्या सॉल्व करोगे? खैर अब इनका कर दो डायरेक्ट डिवाइड और अब तुम्हारा आएगा आंसर। मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक शायद आ जाए इतनी जगह में, ठीक है। चलो डी वाई ओवर डी टी आ गया और डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या कहता है सारे बच्चे समझो, डी वाई ओवर डी एक्स बोलता क्या, ये ऊपर आएगा और ये से कहाँ पर आएगा नीचे आएगा, पक्की बात है ना, काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो वाई माइनस का 10t प्लस का 3 10³t/1 - 10²t। ये तो भाई साहब हमने लिखा है डी वाई ओवर डी टी, अब डी वाई ओवर डी एक्स के कहाँ पर आएगा नीचे आएगा, तो एक्स 3 - 10²t/10t/1 - 10²। अब समझना 1 - से ये, और छोटी क्लासेस में पढ़ाई जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है सबसे ऊपर जाता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाई अपॉन एक्स तो ऐसे ही लिख दो। अब ये 10t कहाँ जाएगा भाई साहब, इसके पास जाएगा, तो ऊपर क्या आ गया 10t का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10t + 3 10³t। अच्छा
और अब कितना बचा, ये जाएगा हमारा इसके पास, तो 3 - 10 square t। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत हो, क्लियर है? थोड़ा हॉचपॉच होगा, इसको हटा के फिर मैं उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है? यहाँ तक देखो पहले इसको, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये, चलिए जी। अब देखो भैया वो वाला क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो वाई की वैल्यू क्या है, कॉस क्यूब टी अपॉन दिस, और एक्स की है, तो अगर इनका डिवाइड होगा तो कॉस टू टी से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बनेगा कॉस अपॉन साइन। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? समझो जरा कि अगर वाई अपॉन एक्स कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, कॉस क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी, तो ये कितना आएगा कॉट क्यूब टी आएगा ना, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/10 cube t लिख सकता हूँ ना बस। तो चलो जी भैया आ जाओ, इसको लिखो 1/10 cube t और 3 - 10 square t, और ये कितना है ऊपर 10 t, और माइनस का 3 10 t प्लस 3 क्यों आया ये? अब देखो एक 10 से एक 10 चला गया भैया, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक बात सुनो, ऊपर से 10 कॉमन आ रहा है, ऊपर से आकाश 10 कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया ऊपर से 10 t और कॉमन ले लिया 10 t, तो अंदर कितना बचा माइनस का 1 प्लस का 3 10 square t, और नीचे क्या है हमारे पास, अब देखो 3 10 थे समझना, एक इससे कट गया और एक यहाँ से कट जाएगा, एक ही तो 10 बचेगा, ठीक, तो 10 square t और ये होगा 3 माइनस। अब देखो एक टी से एक टी चला गया, ऊपर बचा 3 10 square t - 1, और 10 t का मल्टीप्लाई करो 3 10 t माइनस का। अब एक बात सुनो, ये बन गया फॉर्मूला, दिस इज योर आंसर। देखो कैसे 10 3x का फॉर्मूला क्या होता है आकाश, 3 10x - 10 cube x / 1 - 3 10 square x, यही तो होता है। अब देखो 1 - 3 10 square x / 3 10x - 10, तो माइनस का ही तो अंतर आ रहा है केवल, तो ये हो गया माइनस, और ये फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है 10 3x का, तो ये कितने को जाएगा, और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसे सिंपल मेथड। अगर आपको इसमें शिकायत है कि सर आपने बहुत लेंदी कर दिया, तो अगर आपने इससे छोटा किया तो वही नासा वाले घर से ले जाएंगे तुम्हें, इससे छोटा आप लोग करके आओगे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये आपने लेंदी की, ये सबसे छोटा भाई साहब, अदरवाइज अगर डिवाइड वाला रूल लगाते तो बहुत लेंदी जाता है ये। देखो जरा क्या ये समझ जाएंगे आप लोग ये चीज़ कि सर ये 10 नीचे कैसे आ गया, एक बात समझो, एक बात समझो, ये फॉर्मूला तो उल्टा है ना फॉर्मूला हमारे पास, और सर ये माइनस क्यों आ गया, दो बातें समझो, फॉर्मूला होता है 3 10x - 10 cube x / 1 - 3 10 square x, और यहाँ क्या है 3 10 square t माइनस में उल्टा है, उसका ये माइनस आया, और ये फॉर्मूला देखो एकदम उल्टा है, तो 3 नीचे आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 भी बढ़िया है। चलिए जी आ जाओ करते स्टार्ट। तो dx/dt cos t का क्या होगा माइनस sin t और प्लस, अब समझना यार यहाँ से, इसको मानो log x, तो log x का होता है 1/x, फिर 10x का होगा, 10x का होता है डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर t/2 का भी होगा, तो कितना होगा 1/2, ठीक है, t का 1 हो गया फिर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत जा, ये रहे। चलो जी अब देखो dy/dt तो खैर बच्चों वाली बात ही है, dy/dt हमारा हो जाएगा a cos। अब थोड़ा सा देख लो यार ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो अच्छा, तो ये dx/dt तो ये होगा a माइनस का sin t प्लस अभी 1/2 2 tan t/2 और ये sec² t/2। अब जाना पड़ेगा क्लास 10th में चैप्टर 8 में, केवल एक बात बताई थी आपको अगर याद आ रही हो, क्या कि अगर कभी भी साइन कॉस को छोड़ के कुछ भी दिखे तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बस छोटी सी बात, सिंपल सी बात। और देखिए तो क्या है ये माइनस, सॉरी ए माइनस का साइन, अब समझना जरा
ये sec स्क्वायर है, क्या इसको 1 अपॉन cos लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर ty2। अच्छा जी, tan को लिख सकते हैं sin ty2 अपॉन cos ty2। अब ये cos जाएगा सबसे ऊपर, तो भैया पढ़े लिखे आदमी, cos t से cos कैंसिल हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। हाँ कोई बोला? नितिन बोल बेटे, बताओगे? गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया 2 साइन टी वाई टू इंटू कॉस टी वाई टू। तो आ जाओ भैया, माइनस का साइन टी। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन 2t का, नहीं टी का केवल, क्योंकि टी वाई टू है ना वो। एलसीएम ले लो साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1। अब देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और डी वाई ओवर डी टी तो पहले से ही है। क्या हुआ यार तुम लोग, डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर रहे थे भाई साहब। डी वाई ओवर डी एस क्या होगा, पहले तो इसको लिख दो, अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये तो ये आ गया, इसका कर दो डिवाइड अपॉन। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, डिवाइड भी बहुत से बच्चे गलत कर देंगे इसमें, क्या ए कॉस टी का इसके साथ डिवाइड करना है, तो आपको नीचे 1 तो लिखना पड़ेगा ना, किसी नंबर के नीचे 1 होता है। फिर क्या हुआ, ये ए कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया साइन टी अपॉन कितना या? ये बेसिक बेसिक बातें हैं, देखो सीरियस रहो यार आप लोग, ऐसे काम चलेगा नहीं। शिवम देख लो इधर, अब डी एक्स ओवर डी थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू इंटू टेन थीटा, और डी वाई ओवर डी थीटा क्या होगा, टेन थीटा का कर दो इनका डिवाइड। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन एक सेक चला गया। अब एक बात सुनो, सेक को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस शहीद हो गया, तो b अपॉन ए साइन थीटा। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो खैर सिंपल है, हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में, चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा है, तो डी एक्स ओवर डी थीटा क्या होगा, कॉस थी कॉस का माइनस साइन थीटा। अब देखो सुनो यार, थीटा को छोड़ो, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को छोड़ो और थीटा का बंद हो गया, ठीक है। अब यही निकाल दो आप लोग, डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा को छोड़ो कॉस थीटा का, तो प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़ो। क्या आप लोग ये समझे यहाँ पे माइनस क्यों आया, थोड़ा मैंने एक स्टेप काट दिया। चलो देख लो, माइनस साइन था ना ये का, तो माइनस के अंदर एंट्री नहीं होगी। चलो कोई देखो, हटा दिया तो समझा देते हैं, साइन थीटा का कॉस माइनस साइन, ये रहा कर्ली ब्रैकेट, थीटा को छोड़ा कॉस थीटा का माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा दो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को छोड़ा थीटा का बन, अब माइनस के अंदर एंट्री कर देती बस। तो ये होगा ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस से कॉस शहीद हो गया, यहाँ पे क्या हो गया शहीद साइन से साइन, तो ये कितना अच्छा ए थीटा इंटू साइन थीटा। अब भाई साहब इनका कर दो डिवाइड, हमको फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई तो वाई वाला पहले लिख लो, ए थीटा साइन थीटा अपॉन इधर कितना हो जाए ए थीटा क्लियर है। अच्छा इस क्वेश्चन में आ जाओ, वैसे तो ये देखने में लग रहा होगा कि ये छोड़ दें इसे हम, मतलब देखने में केवल देखने में, और कहीं कहीं पे इसका सॉल्यूशन भी बहुत लेंथी दिया गया है, लेकिन ये दो लाइन में होगा, चैप्टर 2 क्लास 12th का कंसेप्ट। देखो जरा
एक्स टी के रेस्पेक्ट में, वाई टी के रेस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना, ठीक है सर। तो काम करो, इनका कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो, क्यों किया सर, क्लास 12th चैप्टर 2 का बन जाएगा फॉर्मूला, करो एक्स वाई। और जब अगर रूट टू इंटू रूट थ्री है तो आंसर क्या आएगा, रूट सिक्स, रूट का रूट के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक बात सुनो, ए साइन इनवर्स टी और इनटू ए कॉस इनवर्स टी, जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये एक्स वाई हो गया, तो ये हो गया ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है पाई बाई टू। तो ये हो गया ए की पावर, कहने का मीनिंग है ये है तो कांस्टेंट ही, करो डिफरेंस x को छोड़ो y का dy वाई ओवर डी एक्स, वाई को छोड़ो तो x का, और इधर जीरो हो गया ये कांस्टेंट है तो dy वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, ये y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और x के साथ क्या होगा, ठीक हाँ